भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप 2023 के दौरान चोटिल हो गए थे। हार्दिक का बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बॉलिंग करते हुए टखना मुड़ गया था और उन्हें मैदान से ले जाना पड़ा था। वह बाद में टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। हार्दिक वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में नहीं खेले और वह साउथ अफ्रीका दौरे गई भारतीय टीम का हिस्सा भी नहीं है। ऐसे में फैंस के मन में यह सवाल है कि हार्दिक कब तक टीम में लौटेंगे। हार्दिक किन दिनों रिहैब से गुजर रहे हैं, उनकी वापसी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बीसीसीआई के सचिव जयसा ने कहा है कि हार्दिक अगले साल जनवरी में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में वापसी कर सकते हैं। शाह ने शनिवार को WPL 2024 ऑक्शन के बाद PTI से कहा, हार्दिक पांड्या जनवरी में अफगानिस्तान T20 सीरीज के लिए फिट हो सकते हैं। बता दें कि इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 11 जनवरी 2024 को होगा, दूसरा मैच 14 जनवरी और तीसरा T20 मुकाबला 17 जनवरी को खेला जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली बार सीमित ओवरों की सीरीज का आयोजन होगा। दोनों टीमों ने ICC ACC टूर्नामेंट के अलावा कभी भी एक दूसरे के खिलाफ वाइट बॉल मैच नहीं खेला है। हार्दिक की गैर मौजूदगी में सूर्यकुमार यादव भारतीय T20 टीम की अगुवाई कर रहे हैं। सूर्य की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से शिकस्त दी। भारत और साउथ अफ्रीका की रविवार से 3 मैचों की T20 सीरीज शुरू होने जा रही है। पहला मैच डरबन में होगा।